क्रिकेट के अंदर यूज होने वाले विकेट स्टंप्स आखिर कितने रुपए के आते हैं? विराट कोहली जो शूज पहनते हैं आखिर वो किस ब्रांड के होते हैं और वो कितने रुपए के होते हैं? प्लेयर्स जिस बैट और बॉल का इस्तेमाल करते हैं आखिर उनकी प्राइस कितनी होती है? और MS धोनी का खुद का यूज किया हुआ बैट आखिर कितने रुपए में बिका था? इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्रिकेट टाइम के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और एक क्रिकेट मैच के अंदर एक एक रन बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इसीलिए अंपायर्स को कोई भी जजमेंट देने से पहले कई बार सोचना पड़ता है और अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी ने एम्पायर्स का काम थोड़ा सा आसान कर दिया है और उस जजमेंट को और ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज कर दिया है। आजकल क्रिकेट के अंदर टेक्नोलॉजी लगभग हर चीज के अंदर इस्तेमाल हो रही है, चाहे आप स्लो मोशन कैमरास देखिए, स्पाइडर कैम देखिए या फिर स्टंप्स की ही क्यों ना बात करी जाए, ये सभी टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसकी वजह से हम बॉल की स्पीड, वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, उसका अनुमान और ऐसी ही काफी सारी चीजों की जानकारी पहले से ही ले सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें एक अच्छी खासी कीमत भी देनी पड़ती है, तो किसी भी मैच में इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए BCCI को इन सब चीजों को खरीदना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी सस्ती नहीं आती। तो अगर हम सबसे पहले बात करें विकेट स्टंप की, तो किसी भी मैच के अंदर विकेट स्टंप तो होती ही है और आजकल की न्यू जनरेशन वाली स्टंप्स पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस है। अगर कोई बॉल इन स्टंप से बहुत करीब से होकर भी गुजर जाती है तो ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि इनके अंदर आपको लाइट जलती हुई दिख जाएगी और हमें पता चल जाता है कि वो बैट्समैन बोल्ड हो चुका है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि पुराने समय में जो स्टंप्स होती थी उनके अंदर LED लाइट्स नहीं होती थी, जबकि आजकल की सारी स्टंप्स के अंदर आपको LED लाइट्स मिलेंगी। तो इन्हें LED इनेबल्ड विकेट्स कहा जाता है और इनके अंदर एक लो वोल्टेज बैटरी दी जाती है ताकि वो LED ग्लो कर सके, और इनकी जो बेल्स होती है उसके अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर फिट किया होता है ताकि वो जो बेल्स और स्टंप्स के बीच का जब सेपरेशन होता है उसको डिटेक्ट कर सके और बता सके कि वो बैट्समैन बोल्ड हुआ है या नहीं। और ये प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि हमें समझ ही नहीं आ पाता। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी की एक कीमत हमें देनी पड़ती है और ये बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती। तो अगर कीमत की बात करें तो इन तीन स्टंप्स का सेट तकरीबन 30 लाख रुपए का आता है, जिसके अंदर बेल्स भी इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है सिर्फ विकेट स्टंप्स के ऊपर खर्च करने के लिए और इसीलिए कोई भी क्रिकेट बोर्ड इतना इनके ऊपर खर्च नहीं करना चाहेगा। तो BCCI इसका एक सॉल्यूशन लेकर आई, उन्होंने इन सारी स्टंप्स को खरीदा नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी जिसका नाम है जिंग इंटरनेशनल, उनसे इन सारे स्टंप्स को लीज पर लिया है इंडियन T20 प्रीमियर लीग यानी कि IPL के लिए और जो भी इंडिया के अंदर इंटरनेशनल मैच होस्ट होते हैं उसके लिए। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2022 में BCCI ने जिंग इंटरनेशनल को 2.184 करोड़ रुपीज दिए थे, जिसके अंदर ये डील हुई थी कि इन स्टंप्स के साथ में 74 मैचेस खेले जाएंगे पूरे सीजन के अंदर। और अगर हम इससे कैलकुलेशन करें तो एक विकेट स्टंप के सेट की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए आती है, जो कि बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और अगर आप सेपरेटली स्टंप्स को छोड़ के सिर्फ बेल्स खरीदते हो तो उसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपए आती है। और आपको याद भी होगा कि पिछले IPL सीजन के अंदर अर्शदीप सिंह जो कि पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और मुंबई के साथ उनके मैच के दौरान उन्होंने 2 विकेट स्टंप्स को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर फाइन लगा था 25 लाख रुपए का। तो अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के बारे में। तो आपको पता होगा कि इस बार की इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल वार्डरोब पार्टनर है एडिडास और उसी ने इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल जर्सी भी डिजाइन करी है। तो इस बार के वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने एडिडास के साथ मिलकर एक नई जर्सी डिजाइन करी है जो कि ICC के वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम पहन रही है और इसके अंदर आपको ड्रीम 11 का लोगो भी मिलता है और साथ में 3 स्ट्राइप्स मिलती हैं जो कि हमारे तिरंगे को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर इन जर्सी की कीमत की बात करें तो BCCI को ये जर्सी तकरीबन 50,000 रुपए की पड़ी है। और अगर आप भी इन जर्सीज को खरीदना चाहते हो तो वो आपको एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी सिर्फ 5,000 रुपए की। अब इतना प्राइस डिफरेंस यहाँ पर इसलिए क्योंकि उनकी जर्सी के अंदर थोड़े बहुत माइनर बदलाव किए गए हैं। तो अब प्लेयर्स की जर्सी की बात तो हमने कर ली, अब आते हैं उनके जूतों के ऊपर, क्योंकि एक मैच के अंदर कंफर्टेबल शूज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आज के समय में हर एक कंपनी किसी न किसी प्लेयर के साथ में अपना कोलैबोरेशन करना चाहती है, इसीलिए ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर के पास में किसी न किसी बड़ी कंपनी के साथ में डील चल रही होती है। तो अभी हम कुछ बड़े प्लेयर्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा के साथ में। तो इंडिया के एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा एडिडास के साथ में कोलैबोरेशन में है और वो जो एडिडास के शूज पहनते हैं उनकी कीमत तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपए की होती है और रोहित शर्मा की एडिडास के साथ में ये कोलैबोरेशन काफी लंबे समय से चलती आ रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विराट कोहली की। अब विराट कोहली पूमा जैसी बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और लास्ट ईयर उन्होंने पूमा के साथ में 100 करोड़ रुपए की डील साइन करी थी। उनके टी शर्ट से लेकर उनके शूज तक सभी पूमा के होते हैं और अगर उनके शूज की बात करें तो वो तकरीबन होते हैं 20,000 से 25,000 रुपए के बीच में। अब आते हैं हम सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी के शूज के बारे में। तो धोनी का शूज के अंदर बाकी सब प्लेयर से थोड़ा सा अलग टेस्ट है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि नाइक, एडिडास, पूमा इन सब के शूज को छोड़कर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसका नाम है कस्टम क्रिकेट शूज, इनके शूज पहनना प्रेफर करते हैं और इस कंपनी के शूज तकरीबन 20,000 से 25,000 रुपए के बीच में आते हैं। तो कोई भी क्रिकेट मैच खेलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बैट और बॉल, और एक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई
नॉर्मल बैट या बॉल यूज नहीं किया जाता। इन बैट और बॉल को सिलेक्ट करने के लिए भी कुछ खास चीजों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बैट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि प्लेयर्स के साथ में रिदम बनाने के बाद आपके उस मैच को काफी लंबा भी चला सकता है और एक छोटी सी पारी के अंदर उस मैच को खत्म भी कर सकता है। तो उस बैट का साइज, उसका डिजाइन, वो किस लकड़ी से मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी ग्रिप कैसी है, उसकी लेंथ और भी काफी सारी चीजें उस बैट को बनाने के ऊपर डिपेंड करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या वो प्लेयर उस बैट को अच्छे से संभाल पा रहा है या नहीं। तो कंपनीज इन सारी चीजों का काफी खास ध्यान रखती हैं। और अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर जो कि ये काफी एक्सपेंसिव बैट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंपनी है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसका नाम है SG। इसका एक बैट है जिसका नाम है सनी लेजेंड। ये एक लेजेंडरी इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट है जो कि इंडिया के बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा यूज करते हैं। इस बैट का वेट थोड़ा सा हैवी साइड की तरफ रखा गया है, लेकिन इस बैट की ये खासियत है कि जब आप इस बैट के थोड़े से भी हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको इसका वेट बिल्कुल बैलेंस लगेगा और आप इससे काफी अच्छे शॉट्स खेल सकते हो। और अगर इस बैट की कीमत की बात करें तो वो 50,000 से 55,000 रुपए के बीच में होती है। अब दूसरे बैट की बात करते हैं जो फिर से SG कंपनी का ही आता है और इसका नाम है प्लेयर्स एडिशन। ये भी एक इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है पुराने वाले बैट से और इसका वेट भी एक बैलेंस साइड में रखा गया है। और इस बैट की जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसको इंडिया के एक और बैट्समैन हार्दिक पांड्या यूज करते हैं। इस बैट के अंदर एक बहुत कमाल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। अब इसके बैलेंस वेट होने की वजह से ये प्लेयर को कॉन्फिडेंस देता है ताकि वो एक बहुत अच्छे शॉट पुल कर सके। और इसकी कीमत की बात करें तो ये तकरीबन 48,000 के अराउंड आता है। तो अगले बैट की बात करते हैं जो आता है सीएट का हिटमैन एडिशन। अब इंडिया के हिटमैन जो कि है रोहित शर्मा, इनके ऊपर ही सीएट ने अपना एक हिटमैन रोहित शर्मा एडिशन इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट बनाया था। और ये बैट फेमस है अपनी शेप की वजह से, क्योंकि ये बैट सुपर स्ट्रोक्स मारने में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस बैट का वेट तकरीबन 1 से 1.25 किलो के बीच में होता है और इसकी प्राइस आती है 45,000 से 50,000 रुपए के आसपास। अब नेक्स्ट बैट की बात करते हैं जो कि खुद विराट कोहली यूज करते हैं। उसका नाम है MRF का जीनियस मास्टर एडिशन। ये MRF का बैट थोड़ी सी यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। आजकल के जितने भी बैट हैं वो थोड़े से मॉडर्न साइड की तरफ रखे जाते हैं, लेकिन इस बैट को एक ट्रेडिशनल फॉर्म दिया गया है। अब इंडिया के शिखर धवन और विराट कोहली दोनों ही इस बैट को यूज करते हैं। इस बैट का जो वेट है वो बहुत ज्यादा केयरफुली मेंटेन करा हुआ है और इस बैट की लाइफ भी काफी ज्यादा लंबी होती है। इस बैट का वेट तकरीबन 1,200 से 1,250 ग्राम के बीच में होता है और ये काफी कॉमन प्रोफेशनल क्रिकेट बैट है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 55,000 से 60,000 रुपए के बीच में आता है। अब जो नेक्स्ट बैट की मैं बात करने वाला हूँ उसको लेजेंडरी MS धोनी खुद यूज करते थे और इस बैट का नाम है स्पार्टन MSD 7 लिमिटेड एडिशन। महेंद्र सिंह धोनी जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे और जो बैट ये यूज करते थे उसका नाम था स्पार्टन MSD 7। स्पार्टन कंपनी का एक लिमिटेड एडिशन क्रिकेट बैट था जो कि Grade 1 इंग्लिश विलो के साथ में आता था और इसके अंदर भी आपको एक ट्रेडिशनल बैट की प्रोफाइल दी जाती थी। अब इस बैट के अंदर जो एज प्रोफाइल थी वो थोड़ी सी वाइड साइड की तरफ रखी गई थी। अब MSD का ये लिमिटेड एडिशन बैट एक पावरफुल क्रिकेट बैट था और ये लंबे चौके चक्के मारने के लिए काफी ज्यादा फेमस था। और इस बैट की कीमत की बात करें तो वो आती है तकरीबन 50,000 रुपए। और 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर MSD ने यही बैट यूज करा था और एक ऑक्शन के अंदर इस बैट को 60,00,000 रुपए के अंदर खरीदा गया था। तो अब बैट के बाद में बात करते हैं बॉल की, क्योंकि बॉल भी क्रिकेट के अंदर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है खेलने के लिए। तो बॉल का वेट और टेक्सचर भी काफी ज्यादा मैटर करता है। वैसे तो क्रिकेट खेलने के लिए बॉल 5 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, पर वो प्लास्टिक की बॉल होती है और उसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्रिकेट के अंदर हम लेदर बॉल्स का यूज करते हैं और ये कोई नॉर्मल 2 पीस वाली लेदर बॉल नहीं होती, बल्कि एक बहुत एक्सपेंसिव 4 पीस लेदर बॉल होती है। अब एक क्रिकेट लेदर बॉल की कीमत उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है कि क्या वो हैंडमेड लेदर बॉल है या फिर मशीन से बनाई हुई है और उसका आखिर वेट कितना है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 3 कंपनीज की बॉल यूज की जाती है। पहली है कुकाबूरा, दूसरी SG और तीसरी ड्यूक बॉल। तो ड्यूक मेनली इंग्लैंड के अंदर यूज किया जाता है, कुकाबूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर और SG इंडिया के अंदर। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि कुकाबूरा की जो बॉल्स होती हैं वो मशीन से बनाई जाती हैं, जबकि ड्यूक और SG की बॉल्स पूरी तरीके से हैंडमेड होती हैं। अब अगर इन बॉल्स की कीमत की बात करें तो ड्यूक की जो बॉल्स होती हैं उनकी कीमत आती है 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में और जो कुकाबूरा की बॉल्स होती हैं वो जनरली व्हाइट कलर की होती हैं और इन्हें ODI और T20 मैचेस के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। अब इनकी कीमत की बात करें तो वो आता है 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में। और अगर SG कंपनी की बॉल्स की बात करें जिन्हें इंडिया की रणजी मैचेस के अंदर यूज किया जाता है, तो इन बॉल्स की कीमत वैसे तो 500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर SG की जो बॉल्स यूज की जाती है वो 5,000 से 6,000 रुपए के आसपास आती हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स और कुछ चीजें थी जो किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर यूज करी जाती हैं और एक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इनकी क्या कीमत होती है उसके बारे में भी मैंने बताया। अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड किसी और चीज के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना।